15 अगस्त आने वाला है और पीजीज के अंदर चालान कटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग जगह से आपको भी खबर आती रहती होगी, फला पीजी में 15,000 का चालान कट गया, फला पीजी में 20,000 का चालान कट गया। तो ये चालान कट क्यों रहे हैं? चालान इसलिए कट रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने टेनेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रखा है और इस समय पुलिस की चेकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। अगर आपने भी अपने पीजी के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहां पर आप पुलिस वेरिफिकेशन घर बैठे बिना कोई मेहनत के, बिना कोई फॉर्म भरे आपका टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन आपको होके मिल जाएगा। तो यार पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसी चीज होती है जो भी जब भी आप किसी को किराए पर कमरा दे रहे हो तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करना आपको जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा जो तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं उनके थ्रू। तो यार पुलिस वेरिफिकेशन देखो दो तरीके से होता है, एक होता है ऑनलाइन एक होता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन तरीके में क्या होता है कि आप अपने टेनेंट के पास जाते हो, उससे उसका आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पहचान पत्र इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट लेते हो, उसकी एक फोटो लेते हो, आपको थाने से एक पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप भरते हो, उस फॉर्म को भरने के बाद उसका आधार कार्ड की फोटो कॉपी उसमें अटैच करते हो, उसकी फोटो उस पर अटैच करते हो और ऐसी अगर आपके पास जितने भी टेनेंट्स हैं उनका सबका फॉर्म भरते हो, सबके डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करते हो और इस सारे को ले जाके आप क्या करते हो थाने ले जाते हो और थाने में इसको वेरीफाई करवा लेते हो। तो ये तो हो गया ऑफलाइन तरीके। तो ऑफलाइन तरीके में बहुत सारी भागा दौड़ी है, बहुत सारे काम है, जैसे आप उसको आपको डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे, आपको उसे फोटो लेने पड़ेगी, वो फॉर्म हर बच्चे का एक एक बच्चे का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ये सब करना ना आजकल ओनर्स को पसंद ही नहीं आता, तो ओनर्स क्या करते हैं दूसरे तरीके पे जाते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ऑनलाइन फॉर्म क्या होता है कि देखो हर स्टेट की ना पुलिस की अपनी एक वेबसाइट होती है, आप उस वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर ना एक टेनेंट वेरिफिकेशन का पोर्टल होता है, आप टेनेंट वेरिफिकेशन के पोर्टल पर गए, टेनेंट वेरिफिकेशन के पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद आपने वेरिफिकेशन करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, प्रॉपर्टी एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपको उसके ऊपर डालनी होंगी, अपना आधार नंबर वगैरह, और उसके बाद आपको अपने टेनेंट्स की डिटेल डालनी होगी, उसका आधार नंबर क्या है, उसके एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, ऐसी सारी डिटेल, फिर उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको उस पर अपलोड करना होगा, उसकी फोटो अपलोड करनी होगी और ऐसे ही आपका उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन यार इस प्रोसेस में ना हर एक टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे टेनेंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन करना है तो इस प्रोसेस में ना आप बिल्कुल थक जाओगे। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहां पर आपको काम नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करना और आपके टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन होके आपके फोन के अंदर आ जाएगा। तो गाइस रेंटोके एक ऐसा ऐप है जिसके ऊपर अगर आप अपने टेनेंट को ऐड करते हो, टेनेंट को ऐड होते ही एक मैसेज जाता है जिसपे वो अपना आधार केवाईसी करता है, आधार वेरिफिकेशन में उसका आधार डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्वर से आता है, उसके बाद वो अपना रेंट एग्रीमेंट साइन करता है। जैसे ये दो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं ऐप उसको डायरेक्टली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आगे फ्लो में डाल देता है। यहाँ पर उसके आधार से उसकी डिटेल्स उठा ली जाती है, उसकी फोटो उसके आधार कार्ड से ले ली जाती है, उसका आधार कार्ड जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्वर से आ रहा था वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चले जाता है और डायरेक्टली यहीं से उसका पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होके आपके ऐप के अंदर आपके फोन के अंदर आपको दिखने लगता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट करना पड़ा, आपको किसी थाने नहीं जाना पड़ा और उस आपके टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन होके आपके फोन के अंदर आ गया। तो यार गाइस इस टाइप की रेंटिंग से रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार, सत श्री अकाल।